नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोसेफ बाइडेन को दी बधाई, कहा दोनों देशों के बीच होंगे संबंध मजबूत। कमला हैरिस का चुनाव भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय। टिहरी बांध पर बना डोबरा चांठी झूला पुल जनता के लिए खुला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रताप नगर की प्रगति के द्वार खुले, पर्यटन के विकास में पुल बनेगा मददगार। प्रदेश ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ाया एक और कदम। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा। 2,00,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। और फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र देने पर उधम सिंह नगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अयोग्य घोषित, प्रशासन ने नामांकन रद्द किया, राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जोसेफ बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री बाइडेन के सफल कार्यकाल का कामना की है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूती प्रदान करने में श्री बाइडेन का महत्व पूर्ण और अमूल्य योगदान था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें श्री बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने अपने भाषण में इस मकाम तक पहुंचने की यात्रा में अपनी मां सहित सभी महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को याद किया। Woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. टिहरी झील पर निर्मित बहुप्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल अब जनता के लिए खुल गया है। 725 मीटर लंबा सिंगल लेन का यह पुल देश का सबसे लंबा और भारी वाहन झूला पुल है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज प्रताप नगर की जनता के लिए विकास का दरवाजा खुल चुका है। पुल क्षेत्रीय जनता और भावी पीढ़ियों के लिए खुशहाली और समृद्धि का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 किलोमीटर लंबी टिहरी झील पूरी दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। डोबरा चांठी पुल के बनने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पुल होने से स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा, साथ ही आवागमन में समय और धन की भी बचत होगी। जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना तो मुझे मौका मिला कि इस पुल को अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाया जाए, और हमने एक साथ लगभग 80 करोड़ से अधिक, मैं समझता मुझे ठीक से अगर ध्यान है तो शायद 88 करोड़, एक मुश्त हमने 88 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मुक्त किया और एक केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। और ये केवल प्रताप नगर वालों के लिए नहीं, टिहरी वालों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम जो पर्यटक इस राज्य में आते हैं निश्चित रूप से उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। एक ऐतिहासिक ब्रिज ये बना है और अब जो हमारा चारों तरफ का जो सराउंडिंग का एरिया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विकास के नए आयाम यहाँ पर खुलेंगे और यहाँ के लोग रोजगार। टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री ने 4,73,08,56,000 की कुल 60 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला में शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक अहम कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी छात्रों के लिए वरदान साबित होगी। देश का ये पहला राज्य होगा जहां पर सभी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्ट यानी वाईफाई से जुड़ जाएंगे। भविष्य में योजना यह है कि इनको स्वान से भी इनको जोड़ लिया जाए ताकि यहां पर कभी भी इंटरनेट की विषम परिस्थितियों में भी उपलब्धता बनी रहे। इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 106 महाविद्यालयों और 5 विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। इससे 2 लाख से भी ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको 4G कनेक्टिविटी भी दे रही है, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे दिए कॉलेज में, लगभग 93% हम लोगों ने प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर दी हैं। और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि अब छात्रों को जो इंटरनेट की दिक्कत होती थी और बहुत जगह शिकायतें आती थी, लेकिन अब 1-1.5 महीने में 100% कॉलेजों को सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित माउंटेन टेरेन बाइकिंग रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों की बहुत संभावनाएं हैं। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने माउंटेन बाइकिंग रैली में 13 महिलाओं के प्रतिभाग करने पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे साहसिक खेलों के प्रति अन्य महिलाएं भी जागरूक होंगी। इस अवसर पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण सावधानियां बरतते हुए और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कल राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गैरसैंण में स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस पर ITBP और पुलिस परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अभी संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारी भी बना दिए गए हैं और कार्यक्रम की मेन रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक भी आयोजित की जा चुकी है और वो कार्यक्रम की सभी तैयारियां हमारे स्तर से पूरी। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए सोलर ड्रायर विकसित किया है। सोलर ड्रायर से पर्वतीय किसानों को लाभ मिलेगा। ये सोलर ड्रायर पॉलीकार्बोनेट शीट का बना है। ड्रायर से वर्षा में भीगी फसलों को सुखाया जा सकेगा। संस्थान के निदेशक डॉ लक्ष्मीकांत ने बताया कि सोलर ड्रायर एक ऐसी प्रणाली है जो सौर ऊर्जा से खाद्य पदार्थों को सुखाती है। उन्होंने कहा कि ये ड्रायर उन सीमांत किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो अपने कृषि उत्पादों के परीक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं और उपकरण नहीं जुटा पाते हैं। इसमें सबसे अच्छी जो बात है कि ये न केवल किसानों के लिए बल्कि ये आम तौर पे जो घरेलू में प्रयोग के लिए भी ये उपयोगी है। इसमें पॉलीकार्बोनेट शीट का निर्माण किया गया और इसमें 3 जो है हमने ट्रे लगाई है, तो जो ट्रे है उसमें जो है बढ़िया या आपके मशरूम हो गया या मेथी हो गई और भी कोई जो सुखाने की चीज है उसको रख करके ड्रायर के अंदर रख देते हैं। जिला प्रशासन ने उधम सिंह नगर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास को अयोग्य घोषित कर दिया है। प्रशासन ने जांच में त्रिनाथ द्वारा
नामांकन के समय दिए गए प्रमाण पत्र फर्जी पाए हैं। त्रिनाथ विश्वास का नामांकन खारिज कर दिया गया है और आगे कार्रवाई के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और सचिव पंचायती राज को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ जिला पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान गलत शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न करने की शिकायत मिली थी। जांच कमेटी को यह शिकायत सही मिली। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद वे प्रत्युत्तर में कोई साक्ष्य नहीं दे सके। इस कारण उन्हें अयोग्य माना गया है। जिला पंचायत जो उपाध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध एक शिकायत हुई थी, जिसमें जांच किया गया कि उनके सर्टिफिकेट फर्जी हैं, ऐसी शिकायत हुई थी और उसमें जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने यह पाया कि शिकायत सही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस इशू किया, जो हमारे पंचायती राज अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत। प्रत्युत्तर में कोई भी साक्ष्य देने में वो विफल रहे। फर्जी पाए जाने के विरुद्ध इसमें आज इनको अनर्ह घोषित कर दिया गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर धनगढ़ी और पनोद नाले पर पुल निर्माण का कार्य आज से शुरू हो गया है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला ये नाला बरसात में उफान पर आ जाता है, जिसके कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस नाले पर पुल निर्माण की मांग लंबे समय से चल रही थी। 14 करोड़ की लागत से बनने वाली इस पुल का शिलान्यास आज एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने किया। रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट का कहना है कि नाले पर पुल निर्माण से लोगों की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है। बरसात के टाइम पर जो कैजुअल्टियां होती थी उसके लिए सभी को परेशानी, तो आज ये पुल का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है। उसके लिए 150 मीटर का पुल धनगढ़ी में बनना है और 90 मीटर का पुल पनौतन जो नाला है वो बनना है, और जिस प्रकार से उसमें 18 माह का समय रखा गया है, तो जो प्रोजेक्ट के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम इस 18 महीने से पूर्व में काम कर लेंगे। बागेश्वर पुलिस जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए अभियान चला रही है। अभियान के तहत एसओजी और कौसानी पुलिस ने 228 शराब की बोतलों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। जिले के एसपी मणिकांत मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि जिले में अवैध शराब, चरस और स्मैक का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस व्यापक अभियान चला रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। कौसानी थानाध्यक्ष और एसओजी की टीम ने एक वैगनर गाड़ी को रोका, जिसमें कि लगभग 19 पेटी 228 बोतल शराब जो हरियाणा की है वो बरामद किया गया, जिसमें दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया, एक शिव कुमार और दूसरा अशोक जोशी। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ आरजी आनंद ने पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बाल अधिकारों और बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने जैसे विषयों पर मंथन किया गया। आयोग के सदस्य डॉ आनंद ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में किसी भी नाबालिग में नशे की प्रवृत्ति संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही कोई बच्चा सड़क पर भीख मांगता नजर आया है। इसके लिए उन्होंने रुद्रप्रयाग पुलिस की सराहना की। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोसेफ बाइडेन को दी बधाई, कहा दोनों देशों के बीच होंगे संबंध मजबूत। कमला हैरिस का चुनाव अमेरिकी भारतीय समुदाय के लिए गर्व का विषय। टिहरी बांध पर बना डोबरा चांटी झूला पुल जनता के लिए खुला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रतापनगर की प्रगति के द्वार खुले, पर्यटन के विकास में पुल बनेगा मददगार। प्रदेश ने डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ाया एक और कदम। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा। 2 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ। और फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र देने पर उधम सिंह नगर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अयोग्य घोषित। प्रशासन ने नामांकन रद्द किया, राज्य निर्वाचन आयोग से की शिकायत। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून।
हमारा फेसबुक पेज है डीडी न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।